आज मैं आया हूँ देवरी के जंगली इलाकों में, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ फंस जाने पर अपनी जान कैसे बचाई जाए। ये जगह सही लग रही है। आपको साइकिल में ताला लगाना बहुत जरूरी है। पिछली बार यहाँ पे कुछ लोग आए थे, वो अपने साइकिल में ताला लगाए बिना ही चले गए थे और उनका साइकिल चोरी हो गया था। यहाँ पे चोरी की घटना है बहुत ज्यादा। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरे बैग में है एक चाकू, मेरा आधार कार्ड, मेरा BPL कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और मेरे बैंक का पासबुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी है, लेकिन ये गंदा है क्योंकि ये रुका हुआ है, तो इसे पीने की गलती ना करें। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक आदमी आया था, वो बहुत प्यासा था, उसने इसे पी लिया था और उसे बहुत ही बुरी तरह से दस्त हुआ था। मैं यहाँ आने से पहले उससे मिलने भी गया था, लेकिन वो उस समय भी टॉयलेट में था। मैंने बताया उसको बहुत बुरी तरह से बेचारा। चलिए सर, क्या खा रहे हैं आप? मैं खा रहा हूँ विमल। ये पिछले बार मुझे पैकेट मिला था, लेकिन उसमें विमल नहीं था। इस बार मैं घर से लाया हूँ ताकि मुझे विमल के लिए भटकना ना पड़े। लो, तुम भी खाओ। थैंक यू माय बाप। बोलो जुबा केसरी। जुबा केसरी। बोलो जुबा केसरी। आपको यहाँ पे बहुत ही सावधानी से चलना होगा। यहाँ पे बहुत सारे ये पत्ते हैं। इसका नाम तो मुझे याद नहीं है, छोड़ो, नाम से कोई मतलब भी नहीं है। इसके पत्ते बहुत ही काम आ सकते हैं आपके। ये देख सकते हैं, मैंने कुछ पत्ते तोड़े हैं। इसे देखो, इसे करना है ऐसे, तो इसे आपको ऐसे रखना है, देखिए इसके ऊपर ऐसे और ऐसे मारने, तो इसमें छेद हो जाएगा। ठीक है, इससे आप बहुत अच्छा टाइम पास कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे बोर हो रहे हैं तो। ठीक है, इसके मैं 2-4 पत्ते रख लेता हूँ ताकि रास्ते में जाते हुए मैं कर सकूं बार बार। हमारे पूर्वज जो यहाँ पे पहले रहते थे, वो इसी तरह से अपना टाइम पास करते थे, क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो यही सबसे अच्छा तरीका होता था टाइम पास करने का। तो मुझे यहाँ पे एक पेड़ दिखा है जिसमें कुछ फल लगे हुए हैं, और उन्हें खाने के लिए मुझे पेड़ में चढ़ना होगा। कोशिश करता हूँ। फल बहुत दूर दूर में है, मेरे हाथ में नहीं आएंगे। चलिए छोड़िए, वैसे भी मेरा पेट विमल से भर चुका है, जिसके जाने जाने में कैंसर का दम है। ये जो आप बड़े पत्ते वाले पौधे देख रहे हैं, ये भी बहुत जहरीले हैं, तो इनको चरने की गलती बिल्कुल मत करना, भले कितनी भी भूख लगी हो। देख सकते हैं इस पेड़ को, ये बहुत ही ज्यादा जहरीला है। यह भी जहरीला है, यह भी बहुत जहरीला है। सारे के सारे पेड़ जहरीले हैं, आपको बहुत ही सावधानी से काम लेना है। लेकिन अभी मैं रुक जाइए, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये वाला है ना, मैं पास नहीं जा सकता हूँ, उधर बहुत गड्ढा है, मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, वो जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये जहरीला नहीं है, इससे बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है, और आपको इसको पहचानने आना चाहिए। इसको कैसे पहचानना है? इसकी कुछ पत्तियां तोड़कर खाना है। अगर आप मर गए तो ये जहरीला है, और अगर आप जिंदा बच गए तो जरूर ये दवाई बनाने के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है हमारे रास्ते में, इसे पार करना जरूरी है, और यही एक आम रास्ता है आगे जाने का। अरे, गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? अरे यार, मैं बस बाहर आया था। उस चुड़ैल के साथ ही हो गए, मेरा पता है। अरे नहीं यार, मैं ब्रेकअप कर रही हूँ तुमसे। अरे हेलो हेलो, इनके यही नखरे हैं। कोई बात नहीं, आपको इस चीज से भी लड़ना होगा। यहाँ तो शाम होने वाली है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूरज ढलने में कितना टाइम है। इसके लिए आपको करना ये है, सूरज और जो जमीन है उसके बीच अपने हाथ को ऐसे रखना है, और उसके बाद अपने हाथ ऐसे घुमाना है, और उसके बाद ऐसे, उसके बाद फिर आपको टाइम देखना है। आपके पास घड़ी होनी चाहिए अच्छी सी। मेरी घड़ी सोनाटा की है, और इसमें वो बज रहे 5:45, तो जल्दी शाम होने वाली है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए।
शाम होने वाली है, मुझे अपने लिए आग जलानी होगी। उसके लिए मुझे पहले लकड़ी का ठेका इकट्ठा करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ियाँ तो है, लेकिन लकड़ियाँ पूरी तरह से गीली है और मुझे आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लकड़ी से तो आग नहीं जला पाऊंगा। चलिए देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, अगर हमारे काम का कुछ मिल जाए तो। यहाँ आइए, यहाँ मुझे एक माचिस मिला है जिसमें कुछ तीलियाँ भी है। ज़रूर यहाँ पे कोई बीड़ी पीने आया रहा होगा और अपना माचिस भूल गया होगा, तो ये हमारे काम आ सकता है। चलिए चलते हैं। रात के 3 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं रोज अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके सोता था, तभी मुझे नींद आती थी। सोने की कोशिश करता हूँ। अरे यार, यहाँ पे गोबर है तो मुझे यहाँ पे एक नदी मिली है जिसमें पानी भी है, तो मुझे तो हमें करना ये है यहाँ पे नदी को फॉलो करना है, क्योंकि अगर नदी के किनारे कोई लोटा लेके बैठा होगा तो हम उससे रास्ता पूछ सकते हैं कि कहाँ जाना है। तो आप देख सकते हैं कि नदी कितनी बड़ी है और इसका बहाव भी बहुत तेज है, और मुझे इसे पार करने के लिए एक नाव बनाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि टाइटैनिक डूब गया था, तो मैं ऐसा खतरा नहीं उठाऊंगा और मैं इसे पैदल ही पार करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहे केकड़े के बिल, और इसमें केकड़े हैं या नहीं इसके लिए मुझे इसकी खुदाई करनी पड़ेगी। ये बिल 100-200 फीट तक गहरे हो सकते हैं, इसके लिए खुदाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे एक कीड़ा मिला है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसे आप खा सकते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन है। अगर आप इसे खा लेते हैं तो आपको 2 हफ्ते तक कुछ खाना नहीं पड़ेगा। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, आप जरूर खाइएगा अगर आप यहाँ पे फंस जाते हैं तो। ये सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ देवरी में ही मिलते हैं, तो अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको देवरी आना पड़ेगा। हो गया। यहाँ बहुत ही ज्यादा उमस है और मेरा शरीर पसीने से भीग गया और बदबू आ रही है। इससे बचने का एक अच्छा तरीका है मेरे पास। मैं डियो साथ लाया हूँ, हाँ, लेकिन डियो यूज करते समय आपको एक सावधानी रखनी है। आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में डियो लगाने से मादाएं आकर्षित हो जाती है, तो अगर कोई मादा जानवर आपकी तरफ आकर्षित हो गई तो नर बहुत गुस्सा हो जाएगा, इसलिए आपको सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुझे यहाँ पे एक सड़क दिखाई दे रही है, अब मैं अपने घर जा पाऊंगा, मुझे बस किसी से लिफ्ट मांगनी होगी। और मुझे लिफ्ट मिल गई है, एक भले आदमी ने मुझे लिफ्ट दी है, तो मैं घर जा सकता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।